सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। और इस ऑन पैसिव में आकर के सबसे पहली चीज तो यही है कि आपका जो एक्साइटमेंट है ना, उसको आप टॉप लेवल पर रखो। जी हाँ, आपका जो एक्साइटमेंट है ये आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी जीत दिलाने में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। आपका एक्साइटमेंट जो होता है वो आपको अंदर से निकलता है और सामने वाला व्यक्ति आपके एक्साइटमेंट को देख करके बहुत कुछ चेक कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज कोई भी जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, क्योंकि वो तो मैं देता ही रहूंगा। दोस्तों, हम कहीं पर भी रहें, किसी भी बिजनेस पर रहें, कोई भी काम करते रहें, लेकिन हमारी जो पूरी की पूरी जो जमा पूंजी होती है, जी हाँ, हमारी पूरी की पूरी जमा पूंजी होती है, उसको हम महीने में प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं वो महीने के लास्ट में जाकर के उनको सैलरी मिलती है। बहुत सारे लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं, उनको तो डेली की डेली वहां पे अर्निंग होती ही रहती है, प्रॉफिट होता ही रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होती है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने कुछ, जी हाँ, अपनी जो इनकम होती है, अपना जो प्रॉफिट होता है, उसमें से बहुत सारा पैसा वो अलग अलग तरह से जो है इन्वेस्ट भी करते हैं, जो चाहते हैं। क्योंकि हर एक इंसान आज की डेट में जो अमीर बनना चाहता है, हर एक इंसान आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है और पैसे को सही जगह लगाना भी चाहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा जेन्युइन होती हैं और वो जगह बहुत ही ज्यादा फेथफुल होती हैं। पहली चीज क्या होती है, और ये जो जगह होती है ना, ये हमारे इकोनॉमी को बहुत तेजी से आगे भी बढ़ाती है। इस दुनिया के अंदर नहीं बल्कि हमारे इंडिया के अंदर नहीं बल्कि इस दुनिया के अंदर पांच घोड़े जो है बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। जी, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं घोड़े। और पहला जो घोड़ा है वो है हमारा फिक्स डिपॉजिट का। जी हाँ, फिक्स डिपॉजिट का। बहुत सारे लोग अपनी जो इनकम होती है या अपना जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ सेविंग निकाल करके लोग फिक्स डिपॉजिट में भी जमा करते हैं, चाहे फिर वो पोस्ट ऑफिस में करें, चाहे फिर वो अपने बैंक में करें, कहीं पर भी करें, जिससे कि वहां पे क्या होता है कि पैसे के ऊपर पैसा बनता चला जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक करना पड़ता है, जो कि भविष्य में उनके काम आता है। तो पहला घोड़ा तो ये हो गया, जो बहुत सारे लोग जो है इसमें फिक्स डिपॉजिट करने के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें अप्लाई करते हैं। दूसरा जो घोड़ा है वो है हमारा रियल एस्टेट का। बहुत सारे लोग जो है जमीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, उसको फिर खरीद के दोबारा से फिर सेल भी कर देते हैं, अपना कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, फिर वो खरीदते हैं, फिर वो बेच देते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी साइकिल को चलाते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों के पास अगर पैसा हो भी जाता है तो बहुत सारे लोग इस टाइप से रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं और उसका भी व्यापार करते हैं। जो तीसरा घोड़ा है वो है हमारा गोल्ड, यानी कि सोना हो गया या सिल्वर हो गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी अगर अच्छी खासी उनकी सेविंग हो जाती है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है महीने में, तो वो कुछ ना कुछ अपना गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ सोना चांदी खरीद लेते हैं या कुछ बनवा लेते हैं, कुछ सिक्के खरीद लेते हैं या कुछ जो ईंट आती है सोने की, 100 ग्राम की, 50 ग्राम की, वो भी खरीद लेते हैं, जिससे कि, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, इनके भविष्य में जो भाव बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और जो चौथा है वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट की नॉलेज हर किसी को होती नहीं है, शेयर मार्केट में हर कोई पैसा इन्वेस्ट करता नहीं है, और शेयर मार्केट में जब नॉलेज नहीं होती है तो वहां पर गलत तरीके से पैसा इन्वेस्ट हो गया तो वहां सारा का सारा पैसा लॉस में भी चला जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में भी लगाते हैं बिकॉज उनको चाहिए बहुत सारा पैसा, क्योंकि वो पैसे से भी पैसा कमाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग इस शेयर मार्केट का इस्तेमाल भी करते हैं। वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना होगा, वो एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं और वो इन्वेस्ट करके ही इस दुनिया में जो है एक बहुत बड़ा इतिहास उन्होंने रचा है। इसके बाद जो पांचवा घोड़ा है वो है हमारा म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड इस समय बहुत तेजी से और ट्रेंडिंग में चल रहा है। बहुत सारे लोग SIP वगैरह और म्यूचुअल फंड में बहुत सारी जो फंडिंग चल रही है उसमें भी बहुत सारा पैसा डिपॉजिट करते हैं बिकॉज एक लॉन्ग टाइम के बाद उनको बहुत सारा पैसा मिल जाता है। तो ये तरह तरह के जो तरीके हैं ये लोग अपना रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे जो छठा घोड़ा है वो बहुत तेजी से दौड़ने वाला है। जी हाँ, बहुत तेजी से दौड़ने वाला है और इतनी तेजी से दौड़ने वाला है कि इन पांचों घोड़ों को जो है पीछे छोड़ देगा। आपने एक घोड़े का नाम तो सुना होगा, चेतक। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था चेतक। जब वो उस घोड़े पर बैठ करके दौड़ते थे तो उसके बाद होता क्या, एकदम से खाई आ जाती थी बीच में, तो महाराणा प्रताप बोलते थे जंप,
तो वहां से एकदम से उनका जो चेतक था वो एकदम से जंप लगा देता था, फिर दूसरे तरफ से फिर से वो घोड़ा दौड़ता था, उसके बाद फिर से खाई आती है, उसके बाद फिर से महाराणा प्रताप बोलते हैं कि जंप, फिर से वो जंप लगा देता है, तो उसके बाद फिर से खाई आती है, फिर से महाराणा प्रताप बोलते हैं कि जंप, फिर से वो जंप लगा देता है, लेकिन चौथी बार उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना प्यारा घोड़ा था उनका। तो आज उसी प्रकार का ये घोड़ा हमारे साथ, हम सब लोगों के साथ है, यानी कि ऑन पैसिव के नाम से, और ये बहुत तेजी से हम सब लोगों को आगे की ओर लेके जाने वाला है। बस आपको क्या करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन को जितना ज्यादा हो सके उतना बढ़ा लो, बिकॉज ये जो घोड़ा है ये आपको बहुत तेजी से आगे की तरफ लेके जाने वाला है, चाहे वो आपका फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे आपका रियल एस्टेट का बिजनेस हो, गोल्ड हो, इसके अलावा शेयर मार्केट हो, उसके वाला म्यूचुअल फंड हो, इंडेक्स फंड हो, कोई भी फंड हो, इन सारे फंड्स को जो है पीछे छोड़ते हुए आपको ये बहुत तेजी से आगे लेके जाने वाला है। इन सारी चीजों में जो है पैसा आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सब लोगों को यहाँ पे मिला हुआ है, जितने भी हमारे ऑन पैसिवियंस हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उन सभी के लिए मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन, एक बहुत बेस्ट डिसीजन अपनी लाइफ का आपने जो है लिया हुआ है, और आप यहां से बहुत तेजी से आगे निकलने वाले हैं, बिकॉज यहां पे बहुत सारे लोगों के सपने हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो फिर यहां पे तो सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपके पास यहाँ पे जो भी कुछ भी आएगा, यहाँ पे जो कुछ भी आपको इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आने वाला होगा, वो आपको यहाँ से तो आपको माइंड पूरी तरीके से हट ही जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ से माइंड हट जाएगा, और आपके जो मेन गोल होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लोगों के बारे में मतलब जो सोच धीरे धीरे जो लोगों की बन रही है, वो सारी की सारी सोच आपकी यहाँ पे सच होती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही हमारे पांच जो घोड़े हैं ना, इन सारे घोड़ों को पीछे छोड़ता हुआ नजर आने वाला है हमारा ऑन पैसिव का घोड़ा। जी हाँ, ये बहुत तेजी से आगे की तरफ निकलने वाला है, बहुत तेजी से जो है दौड़ने वाला है, बस आपको अपनी जो लगाम है ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से कस लेनी है और इसको अच्छी तरीके से ट्रेंड कर देना है इस घोड़े को, जिससे कि ये आपके कहे बिना भी, जी हाँ, आपके कहे बिना भी, आपके किसी भी ऑर्डर दिए बिना भी ये बहुत तेजी से जो है दौड़ता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, पूरी तरीके से फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा, और अपना जो पूरा सेंस ऑफ ऑर्गन्स है, जितने भी हमारे और आपका जो सबकॉन्सियस माइंड है, इसको नॉलेज से भर देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो ऑन पैसिव का जो घोड़ा है ना, बहुत तेजी से भागने वाला है। बस आप रेडी हो जाइए लगाम कसने के लिए, बहुत तेजी से ये मार्केट में उछलने वाला है, मार्केट में भागने वाला, दौड़ने वाला है, और हम सब लोग ही नहीं बल्कि आने वाले जो कस्टमर हैं, आने वाले जो रीसेलर हैं, वो भी इससे वंचित नहीं रहेंगे, वो भी इस घोड़े पर दौड़ करके अपनी बहुत अच्छी और बहुत ही फास्ट रेस लगाने वाले हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही ज्यादा अच्छा मोटिवेशन भी मिल चुका होगा आप लोगों के लिए, और बहुत ही ज्यादा जो है हम एक्साइटेड हैं अपने इस ऑन पैसिव के लिए और इस ऑन पैसिव के घोड़े को लेकर के। और ये जो हमारी इमेज साइड में चल रही थी, आप काफी देर से देख रहे हो, ये बहुत बहुत प्यारी इमेजेस ऐसी हमारे बहुत सारे प्राउड फाउंडर जो है बना के जो है भेजते रहते हैं, अपने ग्रुप में शेयर करते रहते हैं, जिससे बहुत अच्छा मैसेज जो है हम सब लोगों को मिलता रहता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस पूरी की पूरी जो इमेजेस है ना, इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपके दिल के अंदर भी एक थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और थोड़ी सी आग लग जाए और आपके अंदर एक बहुत अच्छा सा मोटिवेशन भी जग जाए, जिससे कि आप इस ऑन पैसिव को लेकर के पॉजिटिव बने रहे। उल्टे सीधे लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, बस अपने माइंड की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, और जो हमारे वेबिनार्स हो रहे हैं उनमें आप आते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी आर सो इन इट टू विन इट।